नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोबिन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकेडमिक कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, तो नॉलेजफुल वीडियो के लिए या जीके हो, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, मैथमेटिक्स हो, मैं आप तक लेकर आता हूँ नॉलेजफुल वीडियोस। अगर आप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनरल कंपटीशन, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वेदर यू आर सर्विंग और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग इंडिविजुअली, अगर व्यक्तिगत रूप से तैयारी करते हैं, फिर टेकिंग कोचिंग ऑल्सो, इट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है ACC। जैसा कि आपको ACC पता है, इन शॉर्ट आर्मी नेवी और एयरफोर्स में जो भी अदर रैंक्स यानी सोल्जर्स के रूप में तैनात होते हैं, जो भी सोल्जर्स के रूप में होते हैं, उनके लिए ACC का एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है ऑफिसर्स बनने का। ACC एज इक्विवेलेंट टू NDA होता है, जिसमें सर्विंग सोल्जर्स के लिए एज का रिलीफ रिलैक्सेशन होता है। और जी हाँ दोस्तों, तो इस उसी ACC का पेपर, चार पेपर होते हैं, इसका पूरा फॉर्मेट जो भी है, कैसे कितने पेपर होते हैं, क्या कितने मार्क्स के होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसका सिलेबस है, उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चलिए ACC एनालाइज करते हैं। ACC 1 फरवरी में जो पेपर हुआ था 2017 में, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ACC करंट जनरल एंड अवेयरनेस टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो कि CZ है। तो यहाँ पे टाइमिंग इसका तीन घंटे का होता है, मार्क्स 300 होते हैं और सारे, जैसा कि इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, 150 क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। OMR sheet प्रोवाइड किया जाता है एग्ज़ाम के लिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब ये क्या बोल रहे हैं, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट योर इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के अलावा कुछ भी अपने पेपर पे नहीं लिखना होता है। इन दिस स्पेस प्रोवाइडेड, जो भी स्पेस प्रोवाइड होता है उस पर केवल इंडेक्स नंबर लिखना होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना होता है। जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर अवेयर दैट SSB आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्ज़ाम, जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद SSB होता है, जो कम्प्लीटली इन इंग्लिश होता है। तो उसके लिए कम्प्लीटली नॉट आप बोल सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन बेसिस है उसके लिए इंग्लिश का होना आपका बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश यू कांट गो थ्रू इट, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन के लेवल्स क्या हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप इसको पेपर को एनालाइज करने से आधा पता चल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से हमको तैयारी करनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं विच ऑफ द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया परचेज द पायलट PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। पायलट PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जी हाँ दोस्तों, पायलट PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया ने परचेज किया है किस कंट्री से। तो और ये ट्रेनर लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने परचेज किया है स्विट्जरलैंड से। किससे परचेज किया है? स्विट्जरलैंड से। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट गारंटी अवार्ड इन इंडिया गिवन फॉर ब्रेवरी नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी। कौन सा हाईएस्ट गारंटी अवार्ड है जो मतलब दुश्मन से मुकाबला करने के लिए नहीं दिया जाता है, अलग क्षेत्र में दिया जाता है, नॉट इन फेस ऑफ एनिमी? तो वो है शौर्यचक्र। शौर्यचक्र जो है दुश्मन से डायरेक्ट मुकाबला के लिए नहीं दिया जाता है, और उसके अलावा कोई साहसिक कार्य होता है उसके लिए दिया जाता है। और इन द फेस ऑफ एनिमी जो दुश्मन से लड़ने के लिए दिया जाता है, दुश्मन के आगे अदम साहस दिखाने के लिए दिया जाता है, वो है सबसे ऊंचा चक्र, वो परमवीर चक्र होता है। आपने विभिन्न सेरेमनी वगैरह में देखे होंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज ज्वाइंटली हेल्ड बाय नीली इन द इंडियन ओशन बाय इंडिया एंड। इंदिरा सीरीज की जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो ज्वाइंटली रूप से हेल्ड होती है किसके साथ, किस दो देश के साथ, और दो बार साल में बाई एनुअली मीन्स ट्वाइस इन ए ईयर, तो दो बार होती है, वो है रसिया के साथ, इंडिया और रसिया बाई एनुअली ज्वाइंटली हेल्ड करता है एक्सरसाइज। दिस इज ए नेवल एक्सरसाइज है, एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इंडियन ओशन में होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यह इसरो का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लूनर इक्लिप्स कॉज्ड व्हेन? लूनर इक्लिप्स कब अक्योर होता है, कब बनता है? लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्रग्रहण। तो चंद्रग्रहण कब बनता है? जब पृथ्वी और सन और मून पृथ्वी के बीच में आ जाते, पृथ्वी जब सन और मून के बीच में आ जाती है, व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, देन लूनर इक्लिप्स लगता है। और जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है? सोलर इक्लिप्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो एंट्रिक्स है। एंट्रिक्स एक कॉरपोरेशन है जो विभिन्न प्रकार के कमर्शियल आर्म प्रोवाइड करता है इसरो के लिए। इसके बारे में डिटेल में आप इसको, दिस इज डिटेल्ड नॉलेजेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्टार ट्विंकल एट नाइट बिकॉज, रात में तारों का चमकना क्यों होता है, क्यों चमकते हैं तारे, कौन से फिनोमेना होते हैं? दैट इज फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक फिनोमेना होता है जिसके कारण तारे चमकते हैं रात में, या कोई भी ग्लेयरिंग बॉडी चमकती है। और रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है? रिफ्लेक्शन होता है जब कोई भी सरफेस पे लाइट या कोई लाइट पड़ता है और डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एमिट एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि एमिट एनर्जी का मतलब होता है स्टार्स एमिट करते हैं इसलिए वो चमकते हैं, नहीं, स्टार एनर्जी उत्सर्जित करते हैं लेकिन उसके लिए वो नहीं वैसे नहीं चमकते, उसके कारण नहीं चमकते, वो फिनोमेना है उसके रिफ्लेक्शन के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट हो गया। द स्टार्स स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज, आकाशीय पिंड के स्टडी को क्या बोलते हैं? तो आकाशीय पिंड के स्टडी को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज नोन एज स्टडी ऑफ हेवनली बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एरोनॉटिक्स तो आपको पता ही होगा, एरोनॉटिक्स होता है जो अंतरिक्ष के बारे में उसकी खोज करते हैं उसको एरोनॉटिक्स कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है राशिफल, जिसके बारे में राशिफल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो, अदरवाइज आई विल टेल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑन 21 जून द डे लाइट इज सीन एट नॉर्थ पोल, 21 जून को डे लाइट देखा जाता है नॉर्थ पोल पे, कितने दिन के लिए, कितने देर के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए? तो वो दैट इज 24 आवर्स, 24 आवर्स के लिए डे लाइट देखा जाता है नॉर्थ पोल पे। आइनोस्फीयर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दस द आइनोस्फीयर इंक्लूड्स, आइनोस्फीयर किस चीज़ का, क्या क्या मिलके बनता है? आइनोस्फीयर में तीन पार्ट होते हैं, थर्मोस्फीयर, एग्जोस्फीयर और मेसोस्फीयर। ऑल द थ्री पार्ट्स आर इंक्लूड्स इन आइनोस्फीयर, ऑल द थ्री पार्ट्स कंपोजिशन कॉल आइनोस्फीयर। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके केवल ACC में ही काम आएंगे। इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जामिनेशन, अगर कोई अलग कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दीज आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन वेरियस एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। और जितने भी आई एम गिविंग दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन यू शुड राइट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सन स्पॉट्स, सन के में जो स्पॉट्स होता है उसको किसने ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था फर्स्टली? तो दैट द मैन हु ऑब्जर्व द सन स्पॉट्स इन फर्स्ट इज वॉज गैलीलियो। गैलीलियो ने सन में जो स्पॉट्स है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेम द टू प्लैनेट्स विच अपीयर एज मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई एंड इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई। ये दोस्तों ये PDF है, ऊपर के फॉर्मेट से आपको पता चल गया होगा कि यह दिस इज द वेरी क्वेश्चन पेपर जिसका PDF है, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 2017 में 17 फर्स्ट
सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा गया है, मतलब फरवरी में जो एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था इसी उसमें पूछा गया है। कहाँ थे हम थे, नेम द टू प्लैनेट्स विच अपीयर एज मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई एंड इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई। तो वो दो कौन से प्लैनेट्स हैं जो मॉर्निंग स्टार होते हैं, सुबह में दिखाई देते हैं और ईस्ट में ईस्टर्न स्काई में इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देते हैं। तो दैट इज मर्क्यूरी एंड वेनस। जी हाँ दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखें आप, जिसके आपके जितने भी ऑन द सोलर सिस्टम जितने भी रिगार्डिंग सोलर सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके पास बहुत ही जल्दी आने वाला है, कीप वेटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइटन इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आ गया सोलर सिस्टम से ही संबंधित। तो टाइटन किसका नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट है किस, तो ये है सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन, और जो कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है, नेचुरल सबसे बड़ा सैटेलाइट है सैटर्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच माउंटेन इज द मोस्ट डिफिकल्ट माउंटेन टू क्लाइम एंड इज आल्सो कॉल्ड द किलर माउंटेन। कौन सा वह माउंटेन है जो सबसे ज़्यादा, मतलब उस पर चढ़ना सबसे ज़्यादा कठिन है और उसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, तो उस नागा पर्वत है। नागा पर्वत की एग्जैक्ट लोकेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ लोकेशन है, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बाउंड्री लाइन चाइना और इंडिया के बीच में उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और डोरेंट लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डू यू कॉल ए नैरो नेक ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंडमास। जो दो नैरो नेक ऑफ लैंड, जो पतली सी जमीन की संकरी क्षेत्र, जो दो लैंडमास मतलब अलग अलग जगहों को, दो लार्जर बड़े जगहों को एक पतली सी संकरी नेक जैसे नौरो पतली सी लाइन कनेक्ट करती है, उस भूभाग को क्या बोलते हैं, उसको इथमस बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन वेटलैंड। इंडिया, दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, झारखंड किसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। झारखंड उड़ीसा के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, हाँ जी वेस्ट बंगाल के साथ झारखंड बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पास थ्रू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ये लेटीट्यूड अचानक से जो इंडिया से होकर पास होता है, इक्वेटर तो होता नहीं है, जो बीचों बीच होता है, बीचों बीच इंडिया आती नहीं, आर्टिक सर्कल सबसे लास्ट में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथर्न पार्ट में जो इक्वेटर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं। जी हाँ, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब होता है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो इंडिया से होकर पास होता है, और जो कि 8 राज्यों से होकर पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साउथ ईस्ट एशिया द ओनली लैंड लॉक कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा है वो कंट्री है जो लैंड लॉक है, तो वो कौन सा कंट्री है दोस्तों, लाओस कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री क्या होता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा हिमालय का माउंटेन सिस्टम है कौन किस माउंटेन से संबंधित है, कौन सा माउंटेन है, किस प्रकार का माउंटेन है, तो वो है वेल्कोनिक माउंटेन। वेल्कोनिक इरप्शन के द्वारा हिमालय माउंटेन इरप्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द उलर लेक लोकेटेड। उलर लेक किस स्टेट में लोकेटेड है, तो उलर लेक वेरी सिंपल
जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज कावेरी। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस? वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? तो ये पोलियो है जो वायरस के द्वारा होती है, बाकी डिफरेंट डिजीज डिफरेंट जर्म्स के कारण होती है। अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज, विटामिन डी के डिफिशियंसी कौन सा डिजीज होता है? तो वेरी सिंपल, रिकेट्स होता है। ब्लड प्लाज्मा हैज ए पीएच ऑफ, ब्लड प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? तो ये आपको पता होगा 7.4 होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग, पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका स्केल होता है। ये स्केल हो गया इधर से लेके और इधर तक 14 नंबर तक काउंटेड होता है, जिसमें 7 है आपका, तो ये है उदासीन। इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल। अगर 7 से जितना ही ऊपर बढ़ते जाओगे ये बेसिक मिलता जाएगा, और 7 से जितना ही नीचे आप आते जाएंगे आपको एसिडिटी बढ़ती जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन वी गो लेफ्ट टू द 7 इट्स गेट इंक्रीज, एंड व्हेन जब हम 7 के बाद जाते हैं तो डिक्रीज होता है, जिससे एसिड और बेसिक का पता चलता है। दूसरा है, विच इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के का सोर्स क्या है? तो फिश ऑयल, जिसमें विटामिन के मौजूद होता है। डिजीज कॉज बाय द बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटोज, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा डिजीज होता है? तो ये येलो फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, मतलब जो मुंह से रस निकलता है उसको हम लाइक करते हैं। दैट इज एक्चुअली नॉट वाटर बट फ्लूइड सेक्रेट फॉर्म। जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो मुंह से हमारे एक प्रकार का लार निकलता है जो हमको अच्छा लगता है, चाहे वो नमकीन हो, मीठा हो, कोई भी प्रकार का हो। तो वो फ्लूइड किस चीज़ से सेक्रेट होता है, कौन से ग्रंथि से सेक्रेट होता है, जीभ से सेक्रेट होता है, किस चीज़ से होता है? तो होता है सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटिंग ए पीलिंग ऑफ ओनियन ब्रिंग टीयर्स टू द आईज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, जब भी हम प्याज को काटते हैं या उसको फाड़ते हैं तो उसमें उसके कारण हमारे आंखों से आंसू आने लगता है, वो किस चीज़ के प्रेजेंस के कारण होता है? प्याज में क्या ऐसा चीज़ होता है जिसके कारण हमारे आंखों में आंसू आने लगता है? तो वो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो सल्फर होता है, सल्फर के कारण हमारे आँख में आंसू आने लगते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम ए डेड डोनर टू ए लिविंग डोनर, मतलब आँख का कौन सा वो पार्ट होता है जो डेड डोनर से लिविंग पर्सन में दिया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, मतलब उस डेड डोनर से निकाल के और लिविंग पर्सन में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आँख का जो वो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया एक आदमी से, एक डेड डोनर से लिविंग पर्सन में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाइपरटेंशन इज टर्म यूज फॉर, हाइपरटेंशन एक टर्म है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है? तो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हम हाइपरटेंशन, इंक्रीज इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द 11th G20 समिट वाज हेल्ड ऑन 4-5 दिसंबर 2016 इन, देखिए ये करंट अफेयर्स है, मतलब उस समय 17 में 16 का पूछा गया है, नए में अगर आप अभी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी जो रिसेंट बैक 6 महीना 1 साल पहले जो करंट अफेयर्स है उसके साथ ही वी शुड बी अपडेटेड विद डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कि G20 समिट कहाँ हेल्ड हुआ था 4-5 सितंबर के बीच में 2016 में,
11 जी समिट था। जी समिट पहले जी 20 समिट है, इसको ग्रुप ऑफ 20s बोलते हैं। ये 2016 में जी 20 समिट चाइना में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन इन इंडिया टू हैव हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। कह रहा है कि इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, तो है केरला में जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है, वो एक हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क एरिया उसमें प्लांट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एपरेटस यूज फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज। एक एपरेटस होता है जिसको